हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, अन अकेडमी ऐप और यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी कॉम्पिटिशंस एग्जाम्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अन अकेडमी पर मुझे फॉलो करें। अन अकेडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लिंक द्वारा फॉलो कर हमें राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का डेली मजा लें। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, पेज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। पीएम नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड द कोल्लम बाईपास ऑन द नेशनल हाईवे नंबर 66 टू द नेशन। इट रिड्यूसेज ट्रेवल टाइम बिटवीन अल्फो अलापुझा एंड त्रिवेंद्रपुरम। दिस इज द फर्स्ट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन द कंट्री टेकन अप ऑन ए 50-50 सेंट्रल स्टेट पार्टनरशिप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर कोल्लम बाईपास को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह अलापुझा और तिरुवंतपुरम के बीच यात्रा के समय को कम करता है। विशेष रूप से यह 50-50% केंद्र और राज्य भागीदारी पर की गई देश की पहली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर कमलनाथ लॉन्चेज हिज गवर्नमेंट्स 50,000 करोड़ रुपीज फार्म डिबेट वेवियर स्कीम नेम्ड जय किसान ऋण मुक्ति योजना। इट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 55 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सरकार की 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना का शुभारंभ किया। इसका नाम जय किसान ऋण मुक्ति योजना है। इससे 55 लाख छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, ए मिनिस्टेरियल पैनल हेडेड बाय महाराष्ट्र फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुंगेटीवार विल एग्जामिन अनफॉर्मेलिटी ऑफ टैक्सेशन ऑन लॉटरी अंडर जीएसटी और अदर इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनंगतीवार की अध्यक्षता वाला एक मंत्री पैनल जीएसटी के तहत लॉटरी पर कराधान की एकरूपता या इससे उत्पन्न होने वाले अन्य मुद्दों की जांच करेगा। नेक्स्ट, द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज IMBACS 2018-90 कमेंस्ड एट चंदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन दैट हाउसेज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़। भारत म्यांमार द्विपक्षीय सेना अभ्यास का दूसरा संस्करण IMBACS 2018-19 चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ। यह पश्चिमी कमान चंडीगढ़ का मुख्यालय है। नेक्स्ट, माउंटेनियर सत्यरूप सिद्धांता कंक्वेर्ड अंटार्कटिका हाईएस्ट पॉइंट माउंट सिडली। विद दिस फीट ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड यंगेस्ट मैन टू क्लाइम द 7 हाईएस्ट पीक्स एंड वोल्केनिक समिट्स अक्रॉस ऑल कंट्रीज कंटिनेंट्स। पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत ने अंटार्कटिका के सर्वोच्च बिंदु माउंट सिडली पर विजय प्राप्त की है। इस उपलब्धि के साथ वह सभी महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय और सबसे कम आयु के व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचार इंटरनेशनल न्यूज। फिलिस्तीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैज प्लेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल 134 कंट्रीज इन द यूएन ग्रुप ऑफ 77 एज पैलेस्टाइन टुक द चेयरमैनशिप ऑफ द ग्रुप फ्रॉम इजिप्ट फॉर 2019। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र के 77
के समूह में सभी 134 देशों के हितों की रक्षा करने का वादा किया है। फिलिस्तीन ने मिस्र से 2019 के लिए समूह की अध्यक्षता ली है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपके करंट अफेयर्स हैं और सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।